हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही खास और बहुत ही इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के प्रयोग से आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे तो चमकदार होंगे और एकदम से सिल्की रहेंगे आपके फ्रेंड्स आपके बाल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी रेमेडी लेके आऊँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में कि आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और आपको कैसे बनानी है ताकि आपके बाल एकदम से लंबे हो जाए और एकदम से घने हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहली और मुख्य चीज आपको जो लेनी रहेगी वो है मिल्क, यानी दूध। तो आपको 2 से 4 चम्मच आपको मिल्क लेना होगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि ये मिल्क बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए और आपके बालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे ये मिल्क, और इसमें बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि इसमें बहुत से प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं ये। और इसमें जो भी जो चीजें हमने मिक्स करोगे वो सारी चीजें एकदम से बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके बालों के लिए, एकदम से आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, एकदम से मजबूत होंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको कौन से लेने, तो वो है मुल्तानी मिट्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मुल्तानी मिट्टी लिया हुआ है, तो आपको 2 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी होगी। फ्रेंड्स, ये सदियों से चला आ रहा है मुल्तानी मिट्टी। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंग्रीडियंट आपको लेना रहेगा वो है डव शैम्पू, जो कि एकदम से नेचुरल होता है और ये आपके लिए आपके बालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है ये शैम्पू डव। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंग्रीडियंट आपको लेना रहेगा वो है एलोवेरा जेल। तो आपको एलोवेरा जेल लेना है 1/2 चम्मच। तो आपको 1/2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है ऐसे, और सारी चीजें इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब आपको मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें से झाग निकल रहा है, तो आपको इसको लगा के आपको शैम्पू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको शैम्पू से नहीं आपका इसमें लगा के इसको आपको लगा के आपको अपना शैम्पू से वॉश नहीं करना है और शैम्पू को यूज नहीं करना है, और आपको इसको लगा के 2 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना होगा। और फिर इसके उसके बाद आपको नॉर्मल आटे से धुल लेना होगा। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के प्रयोग से आपके बाल एकदम से लंबे, घने तथा चमकदार होंगे और फ्रेंड्स, आपके बाल में डैंड्रफ, हेयरफॉल नहीं होंगे। और आपको बता दूं कि आपको आपको 1 वीक में एक बार ही लगाना है इस रेमेडी को और आपके बाल एकदम से लंबे हो जाएंगे, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस रेमेडी से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड।